खिलाड़ी 14 तारीख को रिलीज़ हो रहा है और ये एक सस्पेंस फिल्म है। थिएटर में जाके आप लोग सब देखेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा और लास्ट तक ये आपको थिएटर में पकड़ के रखेगी। बहुत अच्छी फिल्म है, आप जाइए और देखिए थिएटर में। जहाँ तक आपके किरदार की बात करें तो किस तरह का किरदार है? मेरा किरदार एक पुलिस इंस्पेक्टर का है। एक मर्डर मिस्ट्री है तो उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए एक इंस्पेक्टर आता है और सिद्धार्थ नाम है मेरा। ये मेरी पहली मूवी है तो इसमें मैंने जो किरदार किया है वो एक आपको ऐसा लगेगा कि ये एक कुछ अलग है और सबको एक बांध के रखने वाला किरदार है। इस तरह के काफ़ी सारी पिक्चरें आ चुकी है, मिस रागिनी, मिस कई सारी, तो मतलब इससे कुछ हटके रहेगा इसमें स्टोरी? हाँ, वो अभी से मैं बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ हटके है फिल्म। जहाँ तक डायरेक्टर के साथ बात, मतलब पूरे कास्ट के साथ, इस पूरे इंटायर टीम के साथ काम करके एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, सब ने बहुत ही घुल मिल के काम किया है। एक तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं हर्षवर्धन जोशी, वो बहुत यंग हैं और उनने जो पूरी टीम को एक अपना समझ के सबसे जो काम लिया है प्यार से, बहुत अच्छी अच्छा लगा। कहाँ शूट गुजरात में हुआ, आधा गुजरात में, बम्बई में, सब अलग अलग लोकेशन है, बहुत अच्छा है। कोई पिक्चर के अंदर मतलब कोई ऐसा सीन है जहाँ पे आपको मतलब बताया गया बार बार रीटेक किया हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, रीटेक का कोई सवाल ही नहीं होता है। मैंने ऐसा कोई, मेरा कोई सीन याद नहीं कि जो जिसमें रीटेक हुआ है। कोई सीन्स पॉपुलर जो मतलब दिमाग पे आ जाए, मतलब पब्लिक ऑडियंस के, ऐसा कोई सीन है पिक्चर के अंदर? ऐसे काफ़ी सीन हैं और जब आप देखेंगे तो आपको डायलॉग भी बहुत अच्छे हैं। मेरा एक डायलॉग है कि जिसमें मैं जो एक्यूज होता है, हीरो है, उसको ये कहता हूँ कि कानून सबूत मांगता है, जज्बात नहीं समझता, और सबूत सारे तुम्हारे खिलाफ हैं। ये एक मतलब कानून को जो बताता है वो है। और इस पिक्चर के पहले आपने क्या क्या किया था? फिल्मों के अलावा बचपन से ही मेरे को ड्रामा नाटक करने का शौक़ था। मैं बिलोंग करता हूँ गुजरात से, गांधीनगर से, तो बचपन से शौक़ था और मैं करता था, स्कूल कॉलेज में भी मैंने किया। उसके बाद मैं थिएटर में भी काम किया है। मैंने हमारे जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं आज़ाद सर, उनके साथ करीबन 10-15 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो पहले से शौक़ तो था मेरे को। और मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी के अंदर एक किरदार होता है, हीरो होता है, बस वो कब बाहर आता है वो देखना है। तो आपको पिक्चर कैसे मिली, आपके यार दोस्ती में? ऑडिशन? नहीं नहीं, दोस्ती यारी में कोई फिल्म देता नहीं है और मिलती भी नहीं है। आज़ाद सर ने मेरे को बुलाया था, श्री सूत्रम एंटरटेन प्राइवेट लिमिटेड जो हर्षवर्धन हैं उनका ये प्रोडक्शन हाउस है, उसमें आज़ाद सर ने मेरे को बोला कि आपको एक ऑडिशन देना है। तो मैंने ऑडिशन दिया और काफ़ी लोग थे ऑडिशन में, लेकिन जो रोल है एक बहुत ही मजबूत रोल है और पूरे फिल्म को पकड़ के रखता है रोल, और कुछ नया है, तो उनने मेरे पे विश्वास रखा और मैंने वो निभाया। तो आने वाले टाइम में कौन कौन सी पिक्चरें आ रही, कुछ वो बताएंगे? मेरी तो अभी जो आगे 3 है, लेकिन उनका नाम अभी नहीं है, स्टोरी अभी लिखी जा रही है, तो वो है 3। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। सबसे पहले मेरा नाम आज़ाद भारती है। और सर, आप मिस खिलाड़ी का पोस्टर लॉन्च होते क्या कहना चाहेंगे पिक्चर में? हाँ, बहुत खुशी हो रही है, हम लोगों ने बहुत मेहनत से एक मूवी बनाई है जो बहुत ही दिलचस्प है। आप अगर इसे देखेंगे तो शुरू से लेके जब तक आपको क्लाइमेक्स नहीं आता, आपका रोमांच बना रहता है, आप समझ नहीं पाते हैं कि अगला सीन क्या होने वाला है, अगला किरदार क्या रिएक्ट करने वाला है। ये बेहतरीन चीज़ है इस मूवी की। तो सर, टाइटल की बात करें, मतलब क्या टाइटल की दिमाग?
टाइटल में ही बहुत सारी चीज़ छुपी हुई है। आप अगर इस टाइटल को देखेंगे, मिस खिलाड़ी द परफेक्ट प्लेयर, इस फिल्म में सभी लोग कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं। और इस फिल्म का एक कैटलिस्ट है इंस्पेक्टर सिद्धार्थ का रोल। वो कैसे ये जो गेम खेल रहे हैं, ये जो मर्डर मिस्ट्री है, और सबके गेम को आकर अपने गेम के जरिए अलग ढंग से एक निभाया गया किरदार है, जिससे कि वो उन सब के गेम को जो प्ले हो रहा है उसको कैसे सही दिशा में लेकर जाते हैं। और जो परफेक्ट क्राइम के बारे में कहा जाता है कि कोई भी ऐसा चीज़ है क्राइम जो परफेक्ट हो सकता है, उसको कैसे गलत साबित करते हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक परफेक्शन इन क्राइम। आपने कभी सोचा था कि मतलब कोई ऐसी पिक्चर बनाएंगे जिससे पब्लिक को एक मतलब मुझे भी गर्व हो, मतलब एक दिमाग पब्लिक? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये गर्व वाली ही फिल्म है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारी कहानियां थी, तो ये एक इत्तेफाक नहीं है कि ये मूवी बनी है। हम लोगों ने, पूरी टीम ने, श्री सूत्रम प्रोडक्शन में हम लोग पहले एडवाइजिंग काउंसिल में हम लोग बैठते हैं, उसमें ये डिसाइड हुआ कि हमें इस चीज़ पे, हाँ, इसकी जो स्टोरी है वही हमें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही थी, इसलिए इस मूवी की तरफ हम लोग बढ़े। तो पिक्चर के कहाँ पे शूट हुआ, कुछ बताएंगे इसके बारे में? कई जगह है, वेरियस लोकेशंस हैं, मुंबई है, गुजरात है, और भी कुछ खास जगह पे हुई है शूट। ठीक है, थैंक यू सर। मेरा नाम श्री राजपूत है और मैं वैसे मुंबई में ही रहती हूँ, पली बड़ी यहीं की हूँ, बिलोंग करती गुजरात से। और पिक्चर की बात करें, मिस खिलाड़ी का आज पोस्टर लॉन्च है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जाहिर सी बात, बहुत खुशी है क्योंकि हमने सबने मेहनत की है। लाइक दो तीन महीने कंटिन्यू हमने वर्कशॉप्स किए, हमने शूट्स किए, मतलब ऐसी ऐसी कंडीशन में हमने काम किया, तो हमें जहाँ पर हमें कम्फर्ट शायद ना हो, लोकेशन ऐसी ऐसी जगह पर अंधेरे में शूट करना, कहीं खाड़े में शूट करना, तो मेहनत का जब रंग आता है तो ये पोस्टर है, आप देख सकते हो, तो बहुत ही खुशी है, बहुत एक्साइटेड है। आपकी किरदार की बात करें, किस तरह का किरदार है बताएं? इस मूवी में जो मेरा कैरेक्टर है वो है मिस सोनल, जो एक जैसे मिस्टर सिद्धार्थ पुलिस इंस्पेक्टर, उनके साथ मैं सपोर्टिंग में हूँ, और बट ऑबियसली इन्वेस्टिगेशन में लेडीज़ भी होती है साथ में, कहीं कहीं जगह पर लड़कियाँ होती है, तो वहाँ पर मेन पर्सन कुछ नहीं कर सकता, तब वहाँ पर मेरा काम होता है। और ये पिक्चर के अलावा आप क्या क्या कर रहे हो अभी? हाँ, इसके अलावा मैं दो मूवी कर रही हूँ मैं फिलहाल, जिसकी अभी जैसे स्टोरी राइटिंग चल रही है, उन लोगों का वर्कशॉप भी चल रहा है। एक मूवी है उसका नाम है शादी विद जुगाड़, और दूसरी मूवी है उसका नाम है द परफेक्ट मर्डरर। और इस पिक्चर की बात करें तो मतलब कितना रहा इस पूरे एंटायर टीम के साथ काम करके, कैसा एक्सपीरियंस रहा, और कुछ ऐसे सीन हो जिसमें आपको बार बार रीटेक करना हो या कुछ बताएंगे? रीटेक तो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट यस, हमारे जो डायरेक्टर सर है, हमारे जो प्रोड्यूसर है, हमारे जो को आर्टिस्ट है, हम लोगों ने जो वर्कशॉप किया विद कैमरा एंगल, तो इतने रीटेक की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। यस, कभी कभी फंबल हो जाता है, तो आई गेस वो तो रीटेक में आना ही है, लेकिन इतनी ज़्यादा रीटेक की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो बहुत अच्छा रहा हमारा। और जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत ही मतलब गुस्से वाला है, मतलब उसे लाइक हिंट चाहिए कि यार ये यहाँ से बोले और मैं शुरू हो जाऊँ। और धीरज भारती जी के साथ काम करके डायरेक्शन कैसा है, मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ बताएंगे? बहुत ही मज़ा आया उनके साथ, उनकी जो थॉट है, उनका जो विज़न है, वो उन्होंने प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया उन्होंने, और उन्होंने जैसे जैसे बोला हमने वो निभाया है, तो सिंपल सी बात, जाहिर सी बात, उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। इस पिक्चर से कितना उम्मीद है आपको? उम्मीद तो लाइक हमें तो यही कि बस हो गया हमारा काम, अब तो ऑडियंस बताएगी हमें कि क्या आगे होगा, क्या रिजल्ट होगा, बाकी अदरवाइज क्रॉस फिंगर करके बैठे हुए हैं कि सब कुछ सही हो और अच्छा रिस्पांस मिले हमें। थैंक यू। बताऊँ, गांधीनगर में रहता हूँ और एक्टिंग करता हूँ, एक्टर हूँ। और जहाँ तक मिस खिलाड़ी का पोस्टर लॉन्च है, और जो प्रोड्यूसर है हरवंश राय जोशी, उनके बारे में क्या आप कहेंगे? हर्षवर्धन जोशी यंग हैं बिल्कुल, वो खुद एक्टर हैं, अभी उनका रिसेंटली एक मूवी आके गया लव के फंडे, और अभी आ रहा है इश्क द खूंटा, और उन्हें जो भी किरदार, वो खुद एक एक्टर हैं, तो उन्हें जो किरदार सब हीरो हीरोइन जो भी उनने कास्ट किया, वो इतना परफेक्ट कास्ट किया कि जो रोल दिया वो रोल उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह निभाया, मेरा ऐसा मानना है। तो
तो मिस खिलाड़ी के चलते अभी देश के बारे में कुछ, मतलब देश पे ऐसे विवाद चल रहे हैं जहाँ पे मतलब एक अब बहुत सारे हमारे जो सेलिब्रिटी एक्ट्रेस है वो भी हमारे देश से, उनको कोई हम मतलब वो नहीं है, देशभक्ति उनके अंदर नहीं देखा, बहुत सारे ऐसे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो सोच अपनी अपनी होती है, लेकिन मेरा इतना ऐसा मानना है कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते, तो हम जिस देश का खाएंगे उसी देश के बारे में जो गलत बोलेंगे तो वो कैसे लोग हैं और क्या सोच है उनकी वो दिखती है इसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारा यहाँ पे मतलब इंडिया में भी बैन हो रहा चाइना प्रोडक्ट जो भी है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए, मतलब कि हर जगह पे यही चीज़ें होना चाहिए, आपकी क्या राय इस पर? देखो मैं तो ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी चीज़ ही होना चाहिए। चाइना प्रोडक्ट ऐसी है कि आज सुबह लाते हैं शाम को ख़त्म हो जाती है, जबकि हिंदुस्तानी चीज़ है वो बहुत ही अच्छी आती हैं, उसको उसका कोई जवाब देने वाला होता है। कोई चीज़ लाते हैं बिगड़ती है तो हिंदुस्तान में रहेगा तो उसका कोई भी रिप्लाई देगा कि ये क्यों बिगड़ी क्यों, जबकि वो है ना आपको गटर में ही फेंकना पड़ेगा, कचरा कूड़ा में ही फेंकना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान बेस्ट है, हिंदुस्तानी चीज़ ही यूज़ करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इससे मतलब पाकिस्तान को जो एक्टर यहाँ पे आके इंडिया हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करके जा रहे हैं उन पर कई विवाद छिड़ रहे हैं, जैसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी बोल रहे हैं उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हिंदुस्तान में क्या कम है हीरो, हिंदुस्तान में एक्टर कम है तो बाहर से लाने पड़े। मैं तो बोलता हूँ कि हिंदुस्तान के एक्टरों को चांस दो, बाहर के एक्टरों को क्या चांस देने। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सिंपल सी बात है, देखो हिंदुस्तानी हैं और हमको अगर भारत के लिए फिल्म बना रही है तो भारतीय कलाकारों को ही मौका देना चाहिए। और एक सिंपल सी बात है कि अगर जो हमारे सेना के जवानों को मार के जा रहे हैं ऐसे देश के आदमी के साथ बात तो क्या आँख भी नहीं मिलानी चाहिए, तो फिर उनको काम देना और ये तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि देखो जो हमारे देश के सैनिकों को मार रहे हैं यानी वो तो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है। तो अभी क्या ओम पुरी और जो सलमान खान बोल रहे हैं मतलब उनके ऊपर क्या हमारे देश के मतलब जो सिपाही वही जिम्मेदारी, इन लोगों का कोई हक नहीं बनता कि देश के बारे में कुछ बोले या इनको सपोर्ट करे सलमान खान पाकिस्तानी का? सलमान खान एक बहुत बड़ी हस्ती है, उनका पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में मार्केट है, उनके बिजनेस का हर जगह इफेक्ट होता है, तो उनको उनका ये फ़र्ज़ है कि उनके प्रोड्यूसर का उनको साथ देना है, इसलिए वो हर एक को साथ में लेकर चलेंगे। ओम पुरी भी ऐसे ही हैं, उनका इंटरनेशनल लेवल पे भी वो बहुत बड़े कलाकार हैं, तो उनको भी हर जगह का साथ लेके चलना चाहिए, वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, पर आज की तारीख में देश पहले, क्योंकि देश ही नहीं रहेगा तो हमारी खुद की जो अहमियत है वो रहेगी नहीं। आज सीरिया अफगानिस्तान इन सब का जो हालत है, फिर कल उठ के हमारा भी वही हालत होगा अगर हम हमारे देश का साथ नहीं देंगे तो। आज देश के साथ, कल अगर हमारा देश पाकिस्तान के साथ सुलह बैठता है और हम अखंड भारत की तरफ आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे की बात सोची जा सकती है। और अब क्या कहेंगे इस बात पे, जैसे सलमान खान बोलते हैं ओम पुरी बोलते हैं, तो इस बात पे मतलब कितना आप समर्थन करते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं वो? देखिए इसमें मैंने आपको पहले ही बताया, एक सोच सबकी अपनी अपनी होती है, उनकी सोच ऐसी है कि जिस देश में खा रहे हैं जिस देश का खा उसी में छेद कर रहे हैं, तो ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। और इतने बड़े लेवल पे जाने के बाद उनकी एक बात भी सबको चुभ जाती है, सबको असर करती है, तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। थैंक यू।